एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर पर छेड़छाड़ और बदतमीजी का आरोप लगाया है। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इसी मुद्दे पर चर्चा गरमाई हुई है। एक्ट्रेस लगातार मीडिया के सवालों का जवाब दे रही है, ऐसे में उनकी तबीयत खराब हो गई है। तनुश्री की तरफ से एक ऑफिशियल बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने की जानकारी ली है। एक्ट्रेस ने लिखा, मेरा गला सूज गया है, आवाज धीमी पड़ गई है, पिछले कुछ दिनों की थकावट की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई है। पिछले 8 सालों से मैं आध्यात्मिक मार्ग पर थी। मैं शांति, मेडिटेशन और अकेले में रहना पसंद करती हूँ। मैं शांतिपूर्ण जिंदगी जीने की आदी हो चुकी हूँ। मैं कम ही बोलने के लिए सामने आती हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं नॉनस्टॉप बोल रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ। इस कैंपेन के तहत मैं एक दिन में 16 घंटे मीडिया से बात कर रही हूँ। वे आगे कहती है, अपनी ताकत को वापस खोजने के लिए मैं कुछ आराम चाहती हूँ। कुछ दिनों में मैं वापस आऊंगी और फिर से लड़ूंगी। यह बस एक न्यूज स्टोरी नहीं है, ये एक जंग है जो कि मैंने खुद के लिए नहीं बल्कि अनेक लोगों के खातिर शुरू की है। इंसानियत के नाते ये मेरा धर्म है, ड्यूटी है।